हेलो दोस्तों, आप सभी का मन्नू अकेडमी में स्वागत है। तो आज मैं आप लोगों के बीच मैथ्स का एक टॉपिक लेके आया हूँ जिसका नाम है एक्सपोनेंट्स एंड पावर। तो आइए हम देखते हैं एक्सपोनेंट्स एंड पावर में हमें क्या क्या चीज़ें पढ़ना है। एक्सपोनेंट्स एंड पावर, पावर यह हमारा टॉपिक। तो आइए हम देखते हैं किसी नंबर को हम एक्सपोनेंट के फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक नंबर है 16 है, 16 को हमें एक्सपोनेंट के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो फॉर्म में कन्वर्ट करने से पहले हमें ये समझना होगा एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होता है। तो मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे एक नंबर है, एग्जाम्पल लेते ए की पावर एन है, ठीक है। तो ये जो ए होता है ये होता है बेस, ठीक है, और जो इसके ऊपर पावर है एन ये होता है हमारे पास एक्सपोनेंट, इसको हम बोलते हैं एक्सपोनेंट, ठीक है। और इन दोनों को जहाँ बेस हो और उसके ऊपर कोई पावर हो या कोई नंबर हो, तो इस पूरे फॉर्म को हम क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म, एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ये है हमारा एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो हम इसी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इस 16 को कन्वर्ट करके दिखाएंगे। तो किसी भी नंबर को अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए आपको पहले क्या करना पड़ेगा, उसका हम उस नंबर को क्या करेंगे, 16 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। तो 16 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 2 से जाएगा 8, फिर 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 4, और 4 को फिर 2 से करेंगे फिर 2। अब ये आ गया हमारे पास 16 इक्वल्स टू आ गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। तो अगर हमें इसे एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो ये हो जाएगा, काउंट करें 1 2 3 4। अब हम लिख देंगे इसको 2 की पावर 4, जितने 2 है उतना उसके ऊपर पावर लगा दीजिए। अब इसको हम उतना काउंट करके लगा देंगे तो भी हमारे पास कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा, और हम इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये है हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ये 2 क्या हो गया, हमारे पास जो बेस आया वो कितना आया, 2 आया, और जो एक्सपोनेंट आया वो कितना आया, जो एक्सपोनेंट आया वो 4 आ गया। ये है हमारे पास कुछ एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करने के तरीके। तो अब हम आइए इसमें देखते हैं किसी जो हमारे पास एक्सपोनेंट्स एंड पावर का टॉपिक है उसमें कौन कौन से जो इम्पोर्टेंट फॉर्मूलेज हैं उनको हम जान लेते हैं। उसके बाद हम उसमें जो भी इम्पोर्टेंट फॉर्मूले होंगे उनको हम क्या करेंगे, उनको हम कोशिश करेंगे सीखने का कि उसको हम कैसे सॉल्व करें। तो उसे हम सबसे पहले हम यहाँ पे सारे वो फॉर्मूले जान लेते हैं कि कौन कौन से वो इम्पोर्टेंट फॉर्मूले हैं एक्सपोनेंट्स एंड पावर में। तो हमारे पास पहला जो एक्सपोनेंट का फॉर्मूला है वो है हमारे पास, मान लीजिए ए की पावर एम है और मल्टीप्लाई हो रहा है ए की पावर एन से, तो हम इसे लिख सकते हैं ए की पावर एम प्लस एन, ठीक है। कोई भी नंबर है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जब भी मल्टीप्लाइकेशन में होता है तो उसका जो पावर होता है वो एडिशन में आ जाता है। इसको एक एग्जांपल के माध्यम से हम देख लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास 5 की पावर 6 है इंटू 5 की पावर 2 है, तो ये देखिए बेस सेम है, पावर क्या हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन में ऐड हो जाता है। देखिए बेस सेम, पावर ऐड हो जाएगा, यानी 5 का पावर कितना हो जाएगा, 6 प्लस 2, दिस इज द आंसर इज, दिस इज 6 प्लस 2 इज 8, यानी कि 5 की पावर 8 इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब इसका जो सेकेंड फॉर्मूला है वो है हमारे पास, मान लीजिए ए की पावर एम है और इसको कोई नंबर डिवाइड कर रहा है ए की पावर एन, तो हम इसे लिख सकते हैं ए की पावर एम माइनस एन। अब इसे भी हम एक एग्जांपल के माध्यम से समझेंगे तो वो ज़्यादा इजी वे में समझ आएगा। मान लीजिए हमारे पास एक एग्जांपल है 2 की पावर 6 इज़ डिवाइडेड बाई 2 की पावर 4, तो इसे हम लिख सकते हैं, देखिए डिवीज़न में पावर क्या होता है, सब्ट्रैक्शन में चलाता है, ये हो जाएगा 2 की पावर 6 माइनस 2 की पावर 4। तो अब हम यहाँ से माइनस कर लेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 की पावर 2 इज़ द आंसर। यह आ गया हमारे पास सेकेंड फॉर्मूला का। अब इसका जो थर्ड फॉर्मूला है वो है हमारे पास, मान लीजिए ए की पावर एन है और होल टू द पावर एम है, होल टू द पावर एम है, तो इसे हम लिख सकते हैं ए की पावर एम इंटू एन। अगर किसी नंबर के पावर का होल पावर है तो वो हमेशा क्या होता है, पावर आपस में मल्टीप्लीकेशन हो जाता है। इसको एक एग्जांपल के माध्यम से समझ सकते हैं हम। मान लीजिए हमारे पास 2 की पावर 4 है, होल टू द पावर 2 है, तो इसे हम लिख सकते हैं 2 की पावर
फोर इंटू टू दिस इज इक्वल्स टू 2^8 इज द आंसर। ये हमारे पास थर्ड फॉर्मूला है। और इसका जो फोर्थ एक फॉर्मूला है वो है हमारे पास, मान लीजिए a अपॉन b की पावर है हमारे पास m, तो इसे हम लिख सकते हैं a की पावर m अपॉन b की पावर m। ठीक है, अगर किसी भी नंबर जैसे अपॉन में दे रखा है फ्रैक्शन के टर्म में और उसका पावर m है तो हम लिख सकते हैं a की पावर m अपॉन b की पावर m। इसके भी इसको भी एक एग्जांपल से समझ सकते हैं हम। मान लीजिए हमारे पास कोई नंबर है 2/3 होल टू द पावर है हमारे पास 2, तो इसे हम लिख सकते हैं 2^2/3^2। ये है हमारे पास चार फॉर्मूले। और जो इसका पांचवा फॉर्मूला है वो है हमारे पास फिफ्थ, अगर मान लीजिए a की पावर -1 है तो हम लिख सकते हैं इसको रेसिप्रोकल के फॉर्म में, a की पावर और 1/a, अगर a की पावर -1 है तो हम इसे लिख सकते हैं 1/a। या और इसे एक और फॉर्मूला होता है, अगर मान लीजिए a की पावर -n है तो इसे हम लिख सकते हैं 1/a^n। अब इसे हम एक एग्जांपल के थ्रू समझ सकते हैं बहुत इजी वे में। मान लीजिए हमारे पास एक नंबर है 2^-3 है तो इसको हम लिख सकते हैं 1/2^3। ये हमारे पास पांचवा फॉर्मूला आ गया। और जो इसका सिक्स्थ फॉर्मूला है, सिक्स्थ एंड लास्ट है, वो है हमारे पास, मान लीजिए किसी भी नंबर का पावर 0 है तो उसका वैल्यू हमेशा 1 होता है। ठीक है, मान लीजिए यहाँ 2^ क्या है 0 है तो ये हमेशा क्या देगा 1 देगा। ये हमारे पास एक्सपोनेंट्स के कुछ फॉर्मूले हैं और ये फॉर्मूले को हम बहुत ही ईजी वे में समझ सकते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें समझ आया है। इसी के साथ मैं अपने टॉपिक को समाप्त करता हूँ। हम मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में जिसमें हम इन फॉर्मूले पे बेस्ड बहुत सारे जो क्वेश्चंस है उसको हम सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।